कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी। मैंने बताया था कि भाईजान सलमान खान मैरिज हॉल से जुड़ी हुई एक पिक्चर बनाना चाहते हैं दोस्तों, और ये फिल्म यूपी के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट आ गई है कि सलमान सर ने उसमें किन एक्टर्स को कास्ट कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आप लोगों की फेवरेट चैनल में। आ गया है होस्ट चंदोस राहुल भोज आप लोगों को बुलबुल मैरिज हॉल की बातें बताने के लिए। जी हाँ, इसका जो टाइटल सामने आया है दोस्तों इस रिपोर्ट में, वो है बुलबुल मैरिज हॉल। एसकेएफ प्रोडक्शन के तले बन रही है ये फिल्म, जो कि एक रोम कॉम फिल्म होने वाली है। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर सलमान सर ने जो कास्टिंग करी है वो लाजवाब करी है। मतलब कि रियल लाइफ कपल के साथ साथ उन्होंने उन कपल को भी तवज्जो दी है जो कि हमें ऑन स्क्रीन बहुत अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ कपल बोले तो पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों की जो जोड़ी है हमने लास्ट जॉन अब्राहम की फिल्म जो आई थी, अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो उसमें देखी थी। फिर उसके बाद हमने इन लोगों को काफी साथ ये भी खबरें आई थी कि दोनों डेट कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ तो पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा इस फिल्म के अंदर मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अंदर अली फजल भी कास्ट करे गए हैं अलॉन्ग विद डेजी शाह। डेजी शाह भाईजान सलमान खान के साथ दोस्तों जुड़ी हुई हैं जय हो के टाइम से, और उसके बाद उनके प्रोडक्शन तले काम करना या फिर उनके साथ काम करना जैसे कि रेस 3 ये चलता आ रहा है। सो बुलबुल मैरिज हॉल की जो कास्टिंग सामने आई है दोस्तों, वो आई है पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, डेजी शाह एंड अली फजल। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग ये होगा दोस्तों कि ये फिल्म कब आएगी, कैसे रिलीज होगी, बड़ा बजट होगा, कम बजट होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्लस यूपी की कहानी है तो वो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्टिव लगेगी। लैंग्वेज से, लोकेशन से, कॉस्ट्यूम से, ड्रामा से बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप लोगों को क्या है कहना दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं भाई के इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एसकेएफ के तले आ रही है ये फिल्म। कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास बताएं, बने रहिए चैनल के साथ। सो कीप ऑन वॉचिंग।